I'm not hearing it. हेलो ना, सब सही है जी? दोस्तों, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जो मुझे भी आप लोग उस काबिल नहीं बनाए हुए हैं कि मैं भी कुछ मदद कर सकूं। दोस्तों, मैं खुद ही परेशान हूँ। इतनी ज़्यादा बदनसीब हूँ कि मेरा खुद का रहने के लिए ठिकाना तक नहीं है। मैं खुदा थी हूँ तो मैं कि मैं गुजारा करती हूँ। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा शेयर करिएगा। हाथ जोड़कर विनती है, और जिससे कुछ तो मदद मिलेगी, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। हाथ जोड़कर का खेल ती अम्मा अम्मा का कर रे खन हो का करबो कते वा निशा सिया नहि मिले भाबिया जन को हा खा रही हो भाई। दोस्तों, मेरी माँ हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी कितनी बुजुर्ग हो गई हैं। मैं भाई बहन तीन लोग हैं, दो बहन एक भाई है मेरा, और मेरी माँ इतने साल की हो गई हैं। समझ लीजिए कि मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए थे। दोस्तों, मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए थे। मम्मी ने मेरी मजूरी धतूरी कर मैं 2 साल की थी तभी मेरे पापा गुजर गए। और जो है कि मजूरी धतूरी करके मेरी माँ ने जैसे तैसे जतन से तीनों लोग को पाला है, और दोस्तों बहुत ही मजबूरी उठाई है। आज इतनी साल की मेरी माँ हो गई हैं, लेकिन मेरी माँ देवरानी जेठानी तीन लोग हैं। और दोस्तों, देवरानी जेठानी तीन लोग हैं, और मेरे पापा के गुजर जाने के बाद मेरी छोटी वाली जो चाची है, मेरे घर वाले को बहुत टॉर्चर करती हैं। मारने पीटने तक भी नौबत आ जाती है, मारते पीटते भी सब कुछ करते हैं। और दोस्तों, मेरा अकेला भाई है, उसे बहुत परेशान किया जा रहा है। और शासन प्रशासन भी जानते हो, जहाँ रुपए नहीं पाती वहाँ कुछ भी नहीं करती। तो आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि मेरी माँ को इंसाफ मिल सके। और दोस्तों, अभी भी इतनी साल की मेरी माँ हो गई हैं, कम से कम हो गई हैं 51-52 साल की ना, 51-52 साल की हो गई हैं मेरी माँ। लेकिन अभी भी जो थोड़ा बहुत है हिस्सा उत्साह है, जैसे खेती बाड़ी जो है परिवार वाले दे नहीं रहे हैं, वहाँ से नाम चढ़ गया है कि नाम हो गया है मेरी मम्मी को, लेकिन ज़बरदस्ती बो रहे हैं, ज़बरदस्ती जो है कि सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। इसके लिए मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और पैसे ना होने की वजह से कुछ कर भी नहीं पा रही हैं। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मेरी माँ को शासन प्रशासन थोड़ा मदद मिल सके। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा शेयर करिएगा, कोई तो मदद करने वाला मिलेगा इतनी बड़ी दुनिया में। आप लोग प्लीज़, और मेरी माँ कुछ कहेंगी आप लोग सुनिएगा थोड़ा सी, और यकीन ना हो मेरी बात का तो आप लोग मेरी माँ को जो है थोड़ा दो शब्द सुनिएगा, और उनके बाद से तो आप लोग पता लग ही जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं, ये मेरी भाभी हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरी भाभी हैं जो कि अकेली ही हैं, और ये मेरी माँ हैं। और बोला अम्मा, बोला कह दिए वो जौन है, जौन परेशानी है बताओ। हेलो ना, सब सही है जी? दोस्तों, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जो
आप लोग उस काबिल नहीं बनाए हुए हैं कि मैं भी कुछ मदद कर सकूँ। दोस्त मैं खुद ही परेशान हूँ, इतनी ज़्यादा बदनसीब हूँ कि मेरा खुद का रहने के लिए ठिकाना तक नहीं है। मैं खुदा थी हूँ तो मैं कि मैं गुजारा करती हूँ, मुझे खुद दोस्तों आप लोग ज़्यादा शेयर करिएगा, हाथ जोड़कर विनती है, और जिसे कुछ तो मदद मिलेगी, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। आज मेरा चैनल बहुत ज़्यादा चलता होता तो मैं भी कुछ मदद कर पाती, नहीं तो ज़्यादा वीडियो मेरी जाती जिसे कुछ सपोर्ट मिलता। मैं क्या करूँ, मैं खुद ही इतनी ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे खुद का रहने का ठिकाना नहीं है। मैं जब आती हूँ अपने मायके में एक दो दिन गुजारा करती हूँ, उसके बाद फिर शहर चली जाती हूँ। मेरे घर पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और यहाँ पर भी, और दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, जिसे ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, शेयर ज़्यादा करिएगा दोस्तों, जिससे मतलब थोड़ा तो मदद मिलेगी, इससे हमें सहारा होगा दोस्तों। प्लीज़ हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों मेरे दिनचर्या ब्लॉग में आप लोगों का दिल से स्वागत है, और सुबह हो गई है, सुबह के 9 बज रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को राम राम। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा बहुत दोस्तों तबीयत थोड़ा सही नहीं है क्योंकि पानी चेंज हो गया दोस्तों, ज़ुकाम हो गया है। मेरी माँ है, आप लोग देख सकते हैं मेरी माँ बैठी हुई है, मेरी माँ कुछ ढूंढ रही हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें मेरी माँ कुछ कर रही है दोस्तों, कागज़ पत्र कुछ तो वो ढूंढ रही हैं। देखो मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है, इतनी ज़्यादा, अब मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे। और दोस्तों हम दो बहन हैं और एक भाई है मेरा, जो कि थोड़ा आदत उसकी सही नहीं रहती, और दोस्तों इसलिए मेरी मम्मी ज़्यादा परेशान रहती हैं, और घर परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी को परेशान करते हैं। आज इतने साल हो गया मेरी मम्मी को देखे हैं, कितनी बुज़ुर्ग हो गई है मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी को समझ लीजिए कि घर परिवार के लोग कैसे परेशान कर रहे हैं दोस्तों, जो थोड़ा बहुत है भी वो भी नहीं दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर तरह से पैसे कौड़ी के लिए हर तरह से परेशानी ही है दोस्तों। और आप लोग तो जानते होंगे जहाँ रुपए नहीं होते वहाँ कोई चीज़ की सुनवाई नहीं होती, तो इसलिए मम्मी मेरी परेशान है, और मैं क्या बताऊँ, परेशानी देख देख हमें टेंशन हो जाती है कि अपने मम्मी से बात करवाते हैं, आप लोग बात करिएगा और भी बताएंगे कुछ।